हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लुवियस लैंगमियर कॉन्सेप्ट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पोल एंड बोन। बेटा दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लुवियस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन मॉडिफाइड बाय लैंगमियर इन 1919। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लुवियस ने दिया था और फिर मॉडिफाई किया था बेटा लैंगमियर में 1919 में। तो इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, हम सिर्फ कोल एंड बोन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कोल एंड बोन, हाउ दिस कोल एंड बोन इज फॉर्म्ड। वी डिस्कस ऑल दिस इन दिस कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ तो हाउ वी कैन डिफाइन कोल एंड बोन, कोल एंड बोन बेटा बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स और बिटवीन टू एटम्स सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेक्स। ओके, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेक्स, बार बार बोलते आए हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेक्स इज कॉल्ड कोल एंड बॉन्ड। इस बॉन्ड को कोल एंड बॉन्ड बोलते हैं बेटा हम, विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेक्स। बेटा हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, दीज एलिमेंट्स कंप्लीट देयर डुप्लेक्स। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ये डुप्लेक्स कंप्लीट करते हैं, अदर्स कंप्लीट ऑक्टेट्स, अदर्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। तो आप ध्यान रखना बाकी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ओके। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल भाई हमने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन लिया है, H2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने टू एटम्स हैं हाइड्रोजन के, दिस इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन बेटा, ओके। नाउ अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन होता है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ओके। हाइड्रोजन एटम नंबर वन, सो दिस एटम आल्सो हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट किया तो कैसे कर सकता है भाई, शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन की, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए। म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो व्हाट हैपेंस, देखो बेटा इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इस हाइड्रोजन एटम का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। सो This bond is formed here in between these two hydrogen atoms. Single bond बन गया इसके बीच में HH. Similarly, we can give example of beta HCl, hydrogen and chlorine. Hydrogen atomic number 1, 1 electron है valence shell में इसका. Chlorine atomic number 17, 2, 8, 7, 7 valence electrons are there, 2, 4, 6 and 1, 7. भाई दोनों को अब क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। अगेन भाई म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग कैसे कि इसके साथ शेयरिंग कर जाए तो देखो इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इन दिस वे मीन, और वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन दिस वे HCl। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, बिल्कुल सिंपल, सिंगल बॉन्ड बनाए यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल लें O2 का, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देयर आर टू ऑक्सीजन एटम्स, टू ऑक्सीजन एटम्स बेटा, ऑक्सीजन एटम्स टू हैं भाई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 2, 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी में दो बॉन्ड बनाएगा, हर एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाएगा, टू बॉन्ड्स,
तो मल्टीपल बॉन्ड्स में आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 सिमिलरली 2, 4, 6 हमने 2 इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसलिए दिखाया है बेटा कि देखो एक यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी, एक यहाँ पर शेयरिंग डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट 2, 2, 4, 2, 6 और 2 इसके साथ आ जाएंगे। शेयरिंग होने के बाद 8 हो गए इसके, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 इसके साथ 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इन दिस वे, ये दिस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाया तो मल्टीपल बॉन्ड में आ गया, दो बॉन्ड बन गए यहाँ पर। और वी कैन रिप्रेजेंट दिस बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन दिस वे, वी कैन रिप्रेजेंट this is one oxygen atom, this is another oxygen atom and multiple bond is formed, multiple bond बन गया बेटा, एक से ज़्यादा bond तो multiple bond में आते हैं। similarly N2 molecule लिया हमने, N2 this two nitrogen atoms, nitrogen का atomic number 7, 2, 5 valence electrons हैं, तो deficiency कितने की है, 3 की, valency 3 valency है nitrogen की, mean जितनी वैलेंसी होती है उतने बॉन्ड बना सकता है कोई भी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सिंपल सा पॉइंट है बेटा। ओके तो वैलेंसी 3 तो 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा नाइट्रोजन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो कैसे बनाएगा 3 बॉन्ड, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया बेटा, देखो ये ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया, ये ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वी कैन रिप्रेजेंट दिस N ट्रिपल बॉन्ड N इन दिस वे, वी कैन रिप्रेजेंट बेटा, तो दोनों नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गया है, अगेन मल्टीपल बॉन्ड की कैटेगरी में आ गई है अभी, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड थे और ये दोनों किसी कैटेगरी में दिए मैंने एग्जांपल आप लोगों को, मल्टीपल बॉन्ड्स, दीज आर एग्जांपल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। यस बेटा, नाउ वी डिस्कस लुईस स्ट्रक्चर्स, लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे बेटा हम, लुईस स्ट्रक्चर्स तो इजी है बिल्कुल, लुईस स्ट्रक्चर का पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा लुईस स्ट्रक्चर्स को, आज भी डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में इसको, हाउ टू मेक लुईस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस, कैसे हम लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की। ओके टुडे अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट बेटा, तो लुईस स्ट्रक्चर्स सिंपल सा पॉइंट है भाई, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जितने भी एटम्स होते हैं इफ दीज आर रिप्रेजेंटेड विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स देन द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल इजी डेफिनेशन। ओके तो लुईस स्ट्रक्चर इफ all the atoms are represented with their valence electrons कोई भी मॉलिक्यूल या आयन है उस मॉलिक्यूल या आयन के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं अगर इनको रिप्रेजेंट करें बेटा विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इफ ऑल द एटम्स आर रिप्रेजेंटेड विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इफ ऑल द एटम्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल और आयन, ऐसे बोल देते थे बोल सकते थे आप, या फिर इफ ऑल द एटम्स आर रिप्रेजेंटेड विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मॉलिक्यूल और आयन देन द स्ट्रक्चर obtained is called Lewis structure, उस एटम क्या उस मॉलिक्यूल या आयन की Lewis structure होगी बेटा, सिंपल सा पॉइंट। तो Lewis structure बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं बेटा, नाउ रूल्स टू मेक Lewis structure, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा आप लोगों को, एक्सपीरियंस जनरल एक्सपीरियंस से रूल बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे आप इजली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ स्केलेटल स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट रूल क्या होगा बेटा, ड्रॉ
स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। जो भी गिवन मॉलिक्यूल या आयन, उसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कैसे भाई? एक एटम को सेंट्रल एटम मानना पड़ेगा आपको, अदर एटम सराउंडेड। तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा स्केलेटल स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना, एक पॉइंट माइंड में रखना बेटा। ऑलवेज फर्स्ट एटम लेफ्ट हैंड साइड से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड से फर्स्ट एटम आएगा, फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम। बाय कंसीडरिंग फर्स्ट एटम एज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो उसको छोड़ देना भाई फिर, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट एटम इज द सेंट्रल एटम, अगर हाइड्रोजन आ जाता है फर्स्ट एटम तो उससे नेक्स्ट वाला एटम सेंट्रल एटम बनेगा। एक्चुअल प्रैक्टिस में सेंट्रल एटम कौन सा होता है? सेंट्रल एटम इज दैट एटम विच हैज मैक्सिमम साइज एंड वैलेंसी, वैलेंसी जिसकी मैक्सिमम और साइज भी ज्यादा हो उसका, ओके। दैट एटम विच हैज मैक्सिमम साइज एंड वैलेंसी, दोनों ही उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा साइज होगा उसका, लार्ज साइज होगा और वैलेंसी मैक्सिमम होगी उसकी बाकी अदर एलिमेंट्स, तो उसी को सेंट्रल एटम कंसिडर करते हैं। बाय कंसिडरिंग दिस पॉइंट मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये इसी पॉइंट को फॉलो करके पॉइंट सेट किया गया है, ओके बेटा। नाउ स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, ओके, डॉट की फॉर्म में, ताकि वो अपने ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स कंप्लीट कर पाए इस वे से, ठीक है। तो रिप्रेजेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स, ताकि ये ऑक्टेट और डुप्लेट अपने कंप्लीट कर सके बेटा। तो ये पॉइंट माइंड में रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब भाई एक पॉइंट फिर से बोलते हैं, हम बार बार डिस्कस करते आए हैं कि व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। 9-10 क्लास से आप डिस्कस करते हैं व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ओके। तो कितने बॉन्ड बना सकता है वो उसकी वैलेंसी होगी, सिंपल सा पॉइंट। तो बेटा जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एनी एलिमेंट, बाय द एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स कोवलेंसी, वैलेंसी जनरल पॉइंट है। आयनिक बॉन्ड में हमने इस वैलेंसी को बोला था इलेक्ट्रोवैलेंसी, और कोवलेंट बॉन्ड में हम इसको बोल सकते हैं बेटा कोवलेंसी, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देता हूँ कोवलेंसी क्या होती है, कोवलेंसी, व्हाट इज कोवलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एनी एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स कोवलेंसी, इसको बेटा हम कोवलेंसी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोवलेंसी, इसको कोवलेंसी बोलते हैं, सिंपल सा पॉइंट। अब कोई भी एटम है जो कंबाइन करेगा व्हेन इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, इट ऑल्सो ओबेज दिस रूल, कोवलेंसी पॉइंट को फॉलो करेगा, क्या
कि अपनी कोवलेंसी को कंप्लीट करेगा। अगर कोई एटम अब बेटा अपनी कोवलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसको उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कोई एटम अपनी कोवलेंसी से लेस नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है तो जितने कम बनाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। तो मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, इफ एनी एटम फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स देन इट्स कोवलेंसी, then it attains positive charge. कितना positive charge आएगा? Equal to number of bonds exceeds its covalency. It attains positive charge equal to number of bonds exceeds its covalency. भाई इसकी कोवलेंसी से जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाए हैं उतने इसने उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपल सा पॉइंट, ध्यान से चेक करके देखना कभी भी। और पॉइंट, अब इसका रिवर्स भी हो सकता है, इसका रिवर्स क्या है एंड वाइस वर्सा कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा मीन अगर बेटा लेस नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इफ एनी एटम फॉर्म्स लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स then its covalency, then it attains negative charge equal to number of bonds less than its covalency. इसकी कोवलेंसी से जितने बॉन्ड कम होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, मीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसके ऊपर, इसका मतलब ये है। ओके, अब ये पॉइंट्स आप लोगों को फॉलो करने हैं व्हाइल मेकिंग लुईस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल और आयन। सिंपल सा पॉइंट है, पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम आएगा, उसके बाद सेंट्रल एटम की वैलेंसी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वैलेंसी होगी, उसके बाद उससे लेस वैलेंसी के एटम जाएंगे और उसके नेक्स्ट सर्कल में फिर उससे भी लेस वैलेंसी के एटम जाएंगे। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम स्केलेटल स्ट्रक्चर को। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है मैं आपको फिर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ओके बेटा, तो सेंटर में, सबसे सेंटर में क्या आएगा, सेंट्रल एटम आएगा। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम होगी, विच हैज मैक्सिमम वैलेंसी, दिस इज सेंट्रल एटम। सबसे सेंटर में, ओके, उसके बाद इसके सराउंडिंग में एटम्स आएंगे, अदर एटम्स। सेंट्रल एटम की वैलेंसी क्या होती है, मैक्सिमम हैविंग मैक्सिमम वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम हो वही बनता है सेंट्रल एटम। उसके बाद एटम्स हैविंग लेस वैलेंसी, लेस वैलेंसी देन सेंट्रल एटम। ओके, उसके बाद थर्ड सर्कल जो हम बनाएंगे यहाँ पर, एटम्स आएंगे लीस्ट वैलेंसी, एटम्स हैविंग लीस्ट वैलेंसी। इस टाइप से स्केलेटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज रूल टू मेक स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने पॉइंट बताया आप लोगों को, सेंट्रल एटम आएगा, उसके सराउंडिंग में आप एडजस्ट करेंगे बेटा अदर एटम्स हैविंग लेस वैलेंसी देन सेंट्रल एटम। ओके, तो एटम्स हैविंग लेस वैलेंसी देन सेंट्रल एटम, और जो सबसे बाहर जो आएंगे एटम्स हैविंग लीस्ट वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी लीस्ट होगी, मीन हाइड्रोजन वगैरह आ गए, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर वही रिप्रेजेंट करने हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है
डिफरेंट एटम्स के इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, ताकि उनके ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर चार्जेस का पॉइंट बता रहा था मैं आप लोगों को, अगर ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा अपनी वैलेंसी से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कम बॉन्ड बनाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये दोनों पॉइंट हेल्प्स यू इन कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज, डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर को देखते ही पता चल जाएगा बगैर कैलकुलेशन किए कि कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा कितना नेगेटिव चार्ज आएगा। बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स हेल्प्स टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो दीज पॉइंट्स हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज। तो इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट वाला लेक्चर जो आएगा उसमें फॉर्मल चार्ज में बताऊंगा आप लोगों को, बट ये पॉइंट्स दोनों हेल्पफुल होंगे। अगर आपको याद है ये पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखते ही बगैर कैलकुलेशन के भी आप बता सकते हैं फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ओके, देखिए अब पॉइंट, तो हम बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और वी कैन से लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पर। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, लुईस स्ट्रक्चर बोल दो या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल दो, सेम पॉइंट। देखिए बेटा एग्जांपल्स में, फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ओके, CO मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको बेटा, सिंपल बोल देता हूँ CO मॉलिक्यूल। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को कैसे बनाएंगे? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको बेटा, देयर आर टू एटम्स। वैसे सेंट्रल एटम कौन सा होगा, देखो वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है 4, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है 2, ठीक है। तो कार्बन एक्सेल सेंट्रल एटम अगर वैसे पूछा जाए, बाकी दिस स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हमने। नाउ रिप्रेजेंट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सच ए वे दैट बोथ ऑफ दीज एटम्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स। अब डुप्लेट तो वाला तो पॉइंट है नहीं, हाइड्रोजन होता तो दोनों कार्बन ऑक्सीजन बोथ कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, तो ऑक्टेट कंप्लीट करें, इस वे से आपको रिप्रेजेंट करने इनके इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करें? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी तो 4 है, जरूरी नहीं है कि 4 बॉन्ड बनाए, बट ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, और लेस नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा वैलेंसी से उतना नेगेटिव चार्ज आता है, फिर वो फॉर्मल चार्ज में पॉइंट हेल्प करता है आपके, ठीक है। अब बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सपोज मैं एक जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पहले देखना 2, 2, 4 हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया सपोज, है ना। कोई भी बच्चा जैसे स्ट्रक्चर बनाता है मैं पहले वैसे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, इसके 6 थे 2, 2, 4, 2, 6 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लोकी ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी कर दी हमने 2। ओके, अब देखना 2, 2, 4, 2, 6 कार्बन के साथ ही आएंगे ना, 6 बने इसके, तो इसका 2, 2, 4, 2, 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, सी दिस पॉइंट। तो हमें कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है तभी स्टेबल होगा। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 more electrons पार्टिसिपेट है, 2 electron और चाहिए इसको, 2 electron कहाँ से आएंगे, फिर ऑक्सीजन से आएंगे, ऑक्सीजन देगा इसके पास ज्यादा लोन पेयर पड़े। ओके, दिस ऑक्सीजन से यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स दिस। अब देखिए सी हेयर नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, ये लोन पेयर मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको दिस। ओके सी हेयर बेटा, तो क्या हो गया देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, 2, 2, 4,
तो 6, 2, 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्सीजन का, बट कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आ गया। और वी कैन रिप्रेजेंट दिस कैसे बेटा, सी और ये ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ये बन गया, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बन गया यहाँ पर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज दिस, अनदर इलेक्ट्रॉन पेयर इज दिस। अब पॉइंट क्या देखो बेटा, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो मैंने बॉन्ड बना दी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं, दीज आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको बोलते हैं बेटा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो पेयर पड़ा है यहाँ पर विदाउट विच इज नॉट यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो पॉइंट यहाँ पर आप यूज करेंगे, एक शेयर पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है, या फिर एक शेयर इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लोन इलेक्ट्रॉन्स। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा होगा, दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा विच इज नॉट यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक हेयर बेटा फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं, ठीक है, तो मैं ओजोन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओ थ्री स्पॉट्स, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ओ थ्री, थ्री ऑक्सीजन एटम्स हैं, तीनों री ऑक्सीजन एटम है, कोई एक सेंट्रल एटम होगा, दिस वन इज सेंट्रल एटम, अदर टू एटम्स अराउंड दिस, ये हो स्पॉट्स। अब बेटा रिप्रेजेंट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सभी का, ऑक्टेट कंप्लीट करवा देते हैं, बट एक पॉइंट आपको बता दूं बेटा, ऑक्सीजन मैक्सिमम थ्री बॉन्ड ही बना सकता है, वैलेंसी टू होती है इसकी, एक बॉन्ड ज़्यादा बना सकता है इजीली, ठीक है, इट कैन फॉर्म वन बॉन्ड एक्स्ट्रा, क्यों, वन प्योर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहता है यहाँ पर, वेन यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ओके। तो व्हाट हैपेंस टू 2p3 और ऑक्सीजन में क्या था 2p4, ठीक है, तो 2p4 में हाँ टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पर, पी ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के केस में। तो व्हाट हैपेंस बेटा, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी एक्सीड कर सकता है बाय वन, वैसे बॉन्ड फोर तक बना सकता है ऑक्सीजन भी, बट मोस्ट स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि ये थ्री बॉन्ड ही बनाएगा यहाँ पर। व्हाट हैपेंस, कैसे, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसमें से रिप्रेजेंट करना है, तो इस 2, 2, 4, 2, 6 सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2, 2, 4, 2, 6 सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2, 2, 4, 2, 6 सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके हैं। अब चेक करो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 2, 2, 4, 2, 6 इसका तो सिक्स इलेक्ट्रॉन, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेंट्रल एटम का भी हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट 6 है, अगर एक बॉन्ड और बन जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, पता चल रहा है ना यहाँ पर, क्यों, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन बन गए, एक बॉन्ड और बन जाए मीन एक पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मीनिंग क्या है कि एक साइड तो एक बॉन्ड ही बनेगा सिंगल बॉन्ड पर, दूसरी साइड क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन को कितना डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ठीक है डबल बॉन्ड बनवा देते हैं, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो दिस सी हियर। अब पॉइंट क्या है, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो भाई कौन से ऑक्सीजन का यूज होगा फिर, अगर यहां से हम लोन पे ले लेते, क्योंकि यही तो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है, इसकी वैलेंसी टू थी, तीन बॉन्ड बनाएगा, दो यहां पर एक यहां पर, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा तो इसी का इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होगा, अगर इसी का इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करवा देते आ गया एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखना अगर इसका यूज करवा दें हम तो इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पता कैसे करना है किसका यूज होगा, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गए इसके तो, ठीक है, इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है यहाँ से, इसका जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कंप्लीट हो गया, इसके अब रिप्रेजेंट करो 2, 2, 4, 2, 6 और एक पेयर इसका एच डिस पड़ा रहेगा यहाँ पर, दिस 8 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6
ऑफ द आर्ट हो गए, कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मीन ऑक्टेट रूल को ओबे करवाना आप लोगों को, ऑक्टेट रूल को ओबे करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी यहाँ पर। ओके सो वी रिप्रेजेंट दिस और वी रिप्रेजेंट दिस बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो दो चार दो छः, यहाँ पर भी टू फोर, यहाँ पर वन लोन पेयर है, ठीक है। और ये बॉन्ड बन गया बेटा यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया है, दिस वन। ओके तो ये लोन पेयर बच गए इनके पास, और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड में दिखाए हैं। ओके नाउ अब एक और रूल है वैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ANSU, अंशु रूल बोलते हैं हम इसको। ए में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ओके और बेटा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके इन दैट मॉलिक्यूलर आयन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स, एस इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यू इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू का अगर मैं इस रूल को अप्लाई करूँ यहाँ पर तो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ANSU, ए क्या होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स, एस इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड यू इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट और डुप्लेट में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट निकाल दो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ए माइनस एस, ए माइनस एस जो आपको देगा दिस गिव्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इन फ्री स्टेट, सिक्स, तो कितने बन गए, सिक्स इंटू थ्री ऑक्सीजन आइटम है 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट्स और डुप्लेक्स, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो 8 हो जाएंगे, अरे 8 3 24 इलेक्ट्रॉन्स, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स में कितने पेयर 3 पेयर, 3 कौन से बॉन्ड पेयर है, ये शेयर है तो बॉन्ड पेयर्स और शेयर पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स मीन 3 बॉन्ड बनेंगे 1 2 3, बिल्कुल सही आ गया नहीं आ गया, देखो एग्जैक्ट बिल्कुल। अब नाउ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ए माइनस एस, ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, शेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा यहाँ पर शेयर इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, कितने बच गए 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बन गए 6 पेयर्स, 6 पेयर्स हैं लोन पेयर्स हैं, 6 लोन पेयर्स। देखो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल मैजिक रूल है ये भी, ऑक्सीजन 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 रिप्रेजेंट करते स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो 6 है, मीन बॉन्ड कितने बनेंगे 3 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, 3 बॉन्ड्स 3 पेयर्स 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ये बॉन्ड बन गए यहाँ पर दिस दिस दिस, ये बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं मीन 6 लोन पेयर्स रिप्रेजेंट करने और ऐसे रिप्रेजेंट करने की ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता जाए, मीन ऑक्टेट कंप्लीट होता जाए यहाँ पर इनका, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, चेक कर लो कितने लोन पेयर्स बने, 6 लोन पेयर बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्ट, ये देखो। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग आंसर रूल से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, आप डायरेक्ट ड्रॉ करें विदाउट यूजिंग एनी रूल, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो इनके
और कोवलेंसी पॉइंट को फॉलो करें, ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, ऑक्टेट कंप्लीट करवाते जाओ। बस कोवलेंसी वाला पॉइंट तो मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो फॉर्मल चार्ज में हेल्पफुल होगा, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो इनके, बस इतना ध्यान रखना। ओके, न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगी, कुछ भी नहीं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक बेटा, कार्बोनेट आयन CO3 2- आयन कार्बोनेट आयन दे रहा हूँ। देखिए कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CO3 2- आयन कार्बोनेट आयन, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी है और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आपके लिए बेटा अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इस चैप्टर में अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखें, आप 2-3 बार देखें तब जाकर हर एक पॉइंट क्लियर होगा आपको बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ बेटा कार्बोनेट आयन CO3 2- कार्बोनेट आयन, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, रूल फिर से वही भाई, वही पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। सेंट्रल एटम क्या होगा, फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम ये होगा, इसका अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बाकी एटम इसके सराउंडिंग में आएंगे, 2 oxygen 3 है, 1 2 3 3 oxygen एटम्स हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 ये रिप्रेजेंट करते हैं, 2 negative charge है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बाहर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे किस पर है, देखो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा जी, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, कार्बन 4 bond ही बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता कार्बन, ठीक है, और 4 bond बनाएगा तो देखो 2 3 4 मीन किसी एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बाकी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं, डबल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, सपोज हमने यहाँ बनवा दिया डबल बॉन्ड इसका, तो यहाँ 2 electron दिखा दिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये देखो टोटल 4 electron हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं कार्बन के। अब बेटा जिसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये देखो सपोज इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका देखो ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 electron यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया आपने, 2, 2, 4 और 2, 6, ये 6 electron रिप्रेजेंट कर दिया, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, 2, 4, 6, 8 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट इसका बिल्कुल, इसका कार्बन का 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, 4 और 2, 6 और 2, 8 कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट बिल्कुल इसका। ओके, अब पॉइंट ये, इसका डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बाकी बचे 2 oxygen, बट 2 negative charge है, दोनों की इलेक्ट्रॉन आइडेंटिटी तो सेम ही है, एक जैसे एटम है, दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चार्ज, एक नेगेटिव इस पर आ जाएगा, एक नेगेटिव इस पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या है कि 1 electron का गेन किया उस एटम में, और गेन किया है तो 1 electron एक्स्ट्रा हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के 6 + 1 कर देंगे, उसकी वजह से कितना हो जाएगा 7 electron हो गए, इसमें 7 electron रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, 2, 2, 4, 2, 6 6 electron ये हो गए और एक ये 7 हो गए इसके, इसकी इसी तरह इसके भी 7 electron हो जाएंगे बेटा, 1 negative charge, ठीक है ना, 2 negative था, एक इस पर ले लिया एक इस पर ले लिया, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 electron ये हो गए इसके। अब देख लो आप, दिस ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, दिस ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये तो बॉन्ड पेयर हो गए, बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ये लोन पेयर हो गए बेटा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और वी कैन से लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का बन गया ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बेटा नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन NO2 1- अगेन स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नाइट्रोजन 2 oxygen atoms 1, 2, 2 oxygen atoms 2 1 negative charge है, ओवरऑल 1 negative charge ये लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा जी, अब रिप्रेजेंट करेंगे नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम को उठाओ, नाइट्रोजन का वैलेंस है ना 5 electrons, वैलेंसी 3 bond बनाएगा, ओके 3 bond बनाएगा तो एक साइड डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरी साइड सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तभी 3 bond बन सकते हैं, डबल बॉन्ड बनाएगा तो टोटल वैलेंस एटम 5 है इसके, 2 डबल बॉन्ड के लिए यहाँ दिखा दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएगा 3, टोटल 5 है तो एक पेयर बच गया इलेक्ट्रॉन का, ये पेयर दिखा दिया आपने, हो गया टोटल 5 रिप्रेजेंट कर दिए इसका, सपोज ये डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर 2 electron दिखाए, मीन डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 इसके 6 electron होते हैं, 2, 4, 2, 6 और अगर चेक करें तो 2, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। ओके, इसी तरह इसमें अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज भी ऊपर,
मैंने कहा था कि भाई जिस जो एटम अपनी वैलेंसी से लेस मोड बनाएगा इसको, इसका मतलब उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। बताया था मैंने पहले पॉइंट, यही पॉइंट मैंने यहाँ भी यूज करवाया। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। एक बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, 1 नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इसी तरह 2 बॉन्ड यहाँ बना दिया नाइट्रोजन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर एक अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बना रहा है, अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज है। 1 नेगेटिव चार्ज आने का मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें एक ऐड कर दो, 6 होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में, 1 ऐड हो गया, कितने हो गए 7, मीनिंग नेगेटिव चार्ज इस पर था, ठीक है ना। 7 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। आप देखो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट सभी के, और ये इलेक्ट्रॉन नोड स्ट्रक्चर बन गया बेटा। दिस इज इलेक्ट्रॉन नोड स्ट्रक्चर और वी कैन से लुअर स्ट्रक्चर ऑफ NO2 1 नेगेटिव आयन, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हैं यहाँ पर NO2 1 नेगेटिव आयन का, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और फिर कंप्लीट हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसके साथ काउंट होते हैं, ये इसके साथ काउंट, जो बोन बनाए हैं उसके साथ काउंट होते हैं। 9th, 10th क्लास से आप डिस्कस करते आ रहे हैं ये पॉइंट्स, ओके बेटा। नाउ यू कैन टेक एग्जांपल ओ बेटा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट इज H3O1 पॉजिटिव हाइड्रोजन, मैंने कहा था फर्स्ट आइटम इज सेंट्रल आइटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट आइटम यहाँ हाइड्रोजन है तो उससे नेक्स्ट वाला क्या ऑक्सीजन होगा, सेंट्रल आइटम में ऑक्सीजन इज सेंट्रल आइटम। फिर हाइड्रोजन आइटम्स हैं 1, 2, 3, ये 3 हाइड्रोजन आइटम्स आते हैं, ठीक है। दिस 1 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, 3 हाइड्रोजन आइटम्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए एंड 1 पॉजिटिव चार्ज भी रिप्रेजेंट कर दिया है इसके ऊपर, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 1, 1, 1, इसका मतलब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड ज्यादा बना दिया है, अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना तो 1 पॉजिटिव चार्ज, मीन ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर, ओके। 1, 1, 1 ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, एक पॉजिटिव चार्ज, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब 5 रह गए इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये जो दिखाया है ना अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन पर है, 5 रिप्रेजेंट करने हैं, 1, 2, 3, 2 रह गए, एक पेयर बच गया, मतलब ये पेयर बचा गया हमें, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, सी हेयर बेटा। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई हाइड्रोनियम आयन H3O1 पॉजिटिव, चेक करो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बिल्कुल कंप्लीट ऑक्टेट है इसका, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, सभी के ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मैजिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल मतलब 30 सेकंड में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को पॉइंट्स, ओके। सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, हाउ वी कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड्स। भाई कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनके वैलेंस सेल में बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, ऑक्टेट रूल का मतलब वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ऑक्टेट रूल को भी नहीं करते हैं, लिमिटेशन जो ऑक्टेट रूल में जाते हैं आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो 6th एग्जाम्पल बेटा H2SO4, यस सल्फर इज सेंट्रल एटम, क्यों, हाइड्रोजन तो है नहीं सेंट्रल एटम, फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ गया तो नेक्स्ट क्या बनेगा, सल्फर सेंट्रल एटम, मैंने बता दूं उसके बाद सल्फर की वैलेंसी मैक्सिमम होगी यहाँ पर, ज़्यादा साइज है इसका सभी से। अब उसके बाद उससे लेस वैलेंसी वाले ऑक्सीजन आएंगे, मतलब ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग में हम डाल सकते हैं, सल्फर को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज सल्फर, यहाँ लिख दिया सल्फर, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन हो गए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, 1 इज दिस साइड, अनदर इज दिस साइड, सपोज ये ले लिया है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गई है, सेंट्रल एटम मैक्सिमम वैलेंसी का, उससे लेस वैलेंसी के, फिर लीस्ट वैलेंसी के आ गए, ठीक है। अब सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 है, 2, 2, 4, 2, 6 पूरे हो गए ऐसे तो इसके,
ओके अब पॉइंट क्या, देखो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है टू, देखो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा ध्यान रखना आप लोग, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है टू। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर गए, एक बॉन्ड तो यहाँ बनाएगा इसके साथ, सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाया तो एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, ओके वन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ने इसका रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया एक एक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये ऑक्सीजन एक इस बॉन्ड इसके साथ बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो एक बॉन्ड ही बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया पार्टिसिपेट करता है। चेक करो क्या सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गई, दो तीन चार पाँच छः, सिक्स इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए सर, इस वजह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पॉइंट बेटा, लेकिन अगर मैं ऑक्टेट रूल, अगर यहाँ मैंने दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे तो दो तीन चार पाँच छः सिक्स टू जै ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट ऑक्टेट रूल को तो हमें नहीं किया इसने, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ऑक्टेट रूल को ओबे करवाना तो क्या करेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाना है आपको, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाना है, यहाँ भी हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे इसका, प्लीज वी मेक सिंगल बॉन्ड, एक इधर से आ गया एक इधर से आ गया, देखो। अब देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन किसके यूज होंगे, ध्यान से देखना आपको, ऑक्टेट कंप्लीट करते जाना है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट होता नहीं होता है, दो दो चार दो छः दो आठ हो गया कंप्लीट ऑक्टेट इसका, इसका भाई दो दो चार दो छः दो आठ, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसका दो ये दो चार दो छः दो आठ, देखो सिक्स के सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके चीज पड़े हैं, ऑक्सीजन के मीन सल्फर के यूज हो गए यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में, देखो सिमिलरली यार दो दो चार दो छः और दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, ये हो गया। दिस इज इलेक्ट्रॉन लोड स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के दिस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन लोड स्ट्रक्चर। बट बेटा सल्फर के वैलेंस सेल में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इट कैन एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस सेल, सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, सल्फर अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, एक्सरे शरीर से भी यही पता चला है, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस बेटा, अगर अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकता है मीन सल्फर डबल बॉन्ड बना सकता है, वन टू थ्री फोर, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया दिखा दिया आपने हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना दिया आपने इसके साथ, ये भी एक बॉन्ड बना दिया इसके साथ, पॉइंट रहेगा यहाँ वाला बेटा। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दिखाते हैं इसके तो डबल बॉन्ड आएगा, इधर से भी डबल बॉन्ड, इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए तो इधर से भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन आपने रिप्रेजेंट कर दिए जो बचे हुए थे यहीं पर, हमने बताए थे अभी सिंपल वही पॉइंट, यहाँ का डिफरेंस करेगा, यहाँ डिफर करेगा पॉइंट। देखिए अपना ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में आता है H2SO4, ऑक्टेट रूल को वे नहीं करता एक्चुअल प्रैक्टिस में, ओके। सल्फर अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, इट कैन एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, और एक्सपेंड करेगा कोवेलेंसी को तो व्हाट हैपेंस बेटा, मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दो दो चार दो छः और दो आठ, दो दो चार दो छः और दो आठ। अब मेन ऑक्सीजन के भी दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इन दोनों ही डबल बॉन्डेड, तो ये सिंगल बॉन्ड थे, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये भी डबल बॉन्ड हो गया। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में एक्सरे स्टडीज से क्या पता चला बेटा कि दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन लोड स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, नॉट दिस, ये नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन लोड स्ट्रक्चर ये बनाने चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे जीरो, ठीक है, फॉर्मल चार्ज भी हेल्पफुल है यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होता बेटा,
फॉर्मल चार्ज जितना जीरो की तरफ आएगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी स्ट्रक्चर की, न्यूट्रल होगा तो ओके, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो बेटा स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती जाती है, सिंपल सा पॉइंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इन पर जीरो है तो क्यों नहीं इन एटम पर भी जीरो नहीं हो सकता क्या, ऑक्सीजन एटम पर जीरो हो सकता है अगर ये अपनी वैलेंसी पूरी रखे तो, सिंपल सा पॉइंट। अगर एक एक वैलेंसी कम रखें तो नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस वन इन पर, तो बट अगर डबल बॉन्ड बना लें तो इन पर भी जीरो जीरो चार्ज हो जाएगा, सही पर जीरो जीरो चार्ज, मोस्ट स्टेबल हो गए। ओके सो बाई कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इन एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनोड स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रेस स्ट्रक्चर। सिमिलरली इन केस ऑफ अनदर एग्जाम्पल लेता हूँ, एच सी एल ओ फोर, सेवंथ एग्जाम्पल देखो, एच सी एल ओ फोर में ले रहा हूँ, एच सी एल ओ फोर क्लोरिन सेंट्रल एटम, क्लोरिन सेंट्रल एटम भाई, फोर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, फोर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ये हो गया। रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, क्लोरिन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेवन, दो तीन चार पाँच, ठीक है, ये हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया इसने, व्हाट हैपन्स, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, दो दो चार दो छः दो आठ कंप्लीट हो गया ऑक्टेट इसका। अब यहाँ पर देखो, दो दो चार दो छः दो आठ तो दस हो गए, ठीक है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पूरी करवानी पड़ेगी टू, अभी भी दस बन रहे हैं, तो दस बन रहे हैं तो क्यों ना हम सभी ऑक्सीजन आइटम्स को इक्वलेंटी रखें। इस पर चार्ज कितना है, जीरो, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन आइटम पर कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड इसने इधर बनाया, एक बॉन्ड इसने इधर बनाया, जीरो चार्ज है, क्यों हम फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएं, हम क्यों नहीं इनके भी डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो व्हाट हैपेंस बेटा, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी इसकी भी देखो, इन केस ऑफ HClO4 आल्सो, तो मोस्ट स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हमें फॉर्मल चार्ज मेंटेन करना चाहिए, तब जाकर मोस्ट स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर नहीं, इधर दिस, तो इस ऑक्सीजन आइटम के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा दिस, सिमिलरली हियर इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, सेवन थे, दो दो चार दो छः एक सात आ गए पूरे इसके, ओके। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, दो दो चार दो छः दो आठ, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में इसके, ठीक है। इसी तरह दो दो चार दो छः और दो आठ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स है, सेवन बॉन्ड है, फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस में, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट उनको ओवर नहीं करता है, बट दिस इज एक्चुअल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेटा दिस क्लोरीन, अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स सल्फर की तरह क्लोरीन भी एक्सपेंड कर सकता है अपनी कोवेलेंस, इसी वजह से दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ HClO4, ओके। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगी HClO4 की अगर हम बनाए स्ट्रक्चर इसके ध्यान से देखा जाए तो, ओके। बाकी अगर ऑक्टेट रूल को ओवे करवाएं तो भाई ऑक्टेट रूल को ओवे करवाने के लिए फिर क्या, देखिए अगर आपको कोई नहीं जी हम भी इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो भाई सिंगल बॉन्ड ही बनाने पड़ेंगे फिर क्लोरीन को, ये देखो क्लोरीन वन टू थ्री फोर, ठीक है, एक हाइड्रोजन आ गया दिस अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, देख लो वन टू थ्री फोर, सिर्फ फोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे क्लोरीन के, है ना। एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, 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 एक बॉन्ड इसका यहाँ पर बन गया बेटा दिस, इसका दो दो चार दो छः दो आठ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, अगर आप देखें तो दो टू जै एट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट पॉइंट क्या है, यहाँ पर ऑक्टेट तो कंप्लीट करवा दिया हमने इसका, बाकियों का भी देखो होता है क्या, दो दो चार दो छः दो आठ देखा जाए, सी हेयर बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स होते हैं, और देखो ये सिक्स के सिक्स अनपेयर पड़े हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए हैं यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्लोरीन के, सी हेयर अगेन दो दो चार दो छः दो आठ ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया आपने, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए हैं, क्लोरीन के यूज हुए हैं, दो दो चार दो छः दो आठ, इसका मतलब यहाँ भी
6-6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस अटन एलचीज बड़े हैं ऑक्सीजन के, तो मीन ये दोनों अटन किसके यूज हुए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्लोरीन के यूज हुए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ओके। और इसका मतलब अपनी वैलेंसी से एक एक बॉन्ड कम बनाया, तो इन सभी ऑक्सीजन आइटम पर -1 होगा फॉर्मल चार्ज, यहाँ पर एक बॉन्ड कम है तो एक -2 चार्ज आएगा, बट इस ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है, तो क्यों ना इन पर भी 0 बनाएं, तभी मोर स्टेबिलिटी हो। पॉइंट आया समझ में, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो एक्सरे स्टडी की गई फिर स्ट्रक्चर की, तो डबल बॉन्ड ही मिले, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चेक करेंगे तो दिस इज एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ HClO4 नॉट दिस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक्स अ लॉट।